दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा टारगेट है 1000 लाइक इस वीडियो पर। अगर आपने 1000 लाइक पूरा कर दिया तो गारंटेड कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से लगातार सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ साथ 150 शेयर होना चाहिए इस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और 100 सब्सक्राइबर इस वीडियो से बढ़ने चाहिए, मात्र 100 सब्सक्राइबर, इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर बिहार की है। बिहार के के पाठक ने कहा कि नौकरी में 70% दे या छोड़ दें। भागलपुर पहुंचे एसजीएस ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग देखी। शिक्षकों को समय से सैलरी देने का आश्वासन दिया और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कही, अगर आपको नौकरी करना है तो आपको स्कूल में 70% देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और नहीं कर पाते हैं तो आप नौकरी को छोड़ दें। तो यह बहुत ही अच्छी बात लगी कि बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, भविष्य के बारे में सोचना है तो स्कूल में 70% देना होगा। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बिहार के समाचार पत्र में दिया गया है। 4108 पद पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए संशोधित बैकलॉग एवं चालू रिक्त को समेकित कर 26 विषयों की विषयवार सूची प्रकाशित की गई है। दरअसल पिछली सूची में स्वतंत्रता सेनानी एवं दिव्यांगता श्रेणी की रिक्तियों को नहीं दर्शाया गया था। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने यह सूची शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी है। ब्यौरे के अनुसार कुल शेष रह गई रिक्तियां 4108 हैं। इसमें 3353 चालू रिक्तियां हैं और शेष 755 बैकलॉग रिक्तियां हैं। यहां पर देखिए बताया गया है कौन कौन से विषय हैं, तो इनकी नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण को लेकर बड़ी बात हाईकोर्ट ने कह दी है कि भैया हम आरक्षण पर रोक नहीं लगाएंगे, आप नाक रगड़ दीजिए, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार से नए आरक्षण प्रावधानों पर 12 जनवरी तक मांगा है जवाब। बिहार में 75% आरक्षण पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। लोकहित याचिका से नहीं दी जा सकती है कानून को चुनौती, ऐसा महाधिवक्ता का कहना है। इस कानून पर रोक लगाने के अनुरोध को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। आबादी के आधार पर आरक्षण उचित नहीं है, ऐसा आवेदक का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरक्षण हमेशा इनकम के आधार पर मिलना चाहिए। इनकम के आधार पर अगर आरक्षण मिलना शुरू हो जाए तो विरोध होना भी कम हो जाएगा। बिहार की एक और बड़ी अपडेट बता दूं, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को परिवहन विभाग से संपर्क कर बाइक स्कूटी चलाना सिखाएं, ऐसा पाठक जी का कहना है। तो पाठक जी ने कहा भैया स्कूटी चलाना सिखा दो, जिससे 70% जो है स्कूल में पहुंच सके। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। आज जारी होगा मेरिट लिस्ट, 4 से शुरू होगा एडमिशन। डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट है, पटना की बिग ब्रेकिंग न्यूज। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बीपीएससी हर साल 30 सितंबर को लेगा प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी में किया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से जुड़ी जानकारी आयोग ने साझा किया है। 69वीं मुख्य परीक्षा जो है 3 से 7 जनवरी 2024 को आयोजित करने की तैयारी चल रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आयोग परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। अगली खबर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को लेकर है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड होगा। डैशबोर्ड पर लॉगिन कर फोटो अपलोड करने के बाद डाउनलोड होगा ई प्रवेश पत्र। 7 से 15 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं है। परीक्षा केंद्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। 5 को भी करना होगा डाउनलोड। प्रवेश पत्र की एक प्रति वीक्षक के सामने हस्ताक्षर कर सौंपना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 18 माह का डीएलएड कोर्स मान्य। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन में डीएलएड की डिग्री मान्य है। आप प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो कि 10 अक्टूबर 2017 के पहले से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा केंद्र का गेट, तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 1 घंटे पहले पहुंचे। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। स्कूल आवंटन में 3 ऑप्शन, नई नियमावली कैबिनेट को भेजी गई है।
सक्षमता परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की खबर अब स्टार्ट हो गई है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरियां सीमित सबको नहीं दी जा सकती है, अन्य माध्यमों से लोगों को नौकरी व रोजगार दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार यह भी बता दे कितने पद रिक्त हैं, जो रिक्त पद हैं उस पर तो भर्ती हो सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती है? जब पद बनाए गए हैं तो भर्ती करने के लिए बनाए गए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से सपा का वॉकआउट, तो बहुत अच्छा वर्क जो है चल रहा है, सपा यानी कि विपक्ष युवाओं के साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि दोहरे चरित्र की सरकार सिर्फ डींग हाँकती है, करती कुछ नहीं है। आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आदर्श आचार संहिता लगने के 2 से 2.5 महीने पहले आएगा। जो मेरे द्वारा बता दिया जाता है वह वज्रबाण होता है, जो बता दिया हूं होगा वही, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो बस वेट करिए और आदर्श आचार संहिता से 2 से 2.5 महीना माइनस करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से जानकारी किस तरह से दी जाती है। मेरे द्वारा कहा गया था अगर फरवरी में आदर्श आचार संहिता लागू होगा तो दिसंबर में विज्ञापन आ जाएगा, मार्च में लागू होगा तो जनवरी में विज्ञापन आएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अगली अपडेट है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को लेकर। 10वीं 12वीं की मार्कशीट में डिवीजन नहीं मिलेगा, सीबीएसई ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बोर्ड छात्रों को इस बार डिस्टिंक्शन भी नहीं मिलेगा, परिणाम में कुल प्राप्तांक भी नहीं दिए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, बंपर भर्ती होने जा रही है ग्राम विकास विभाग में। ग्राम विकास विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में रिक्त करीब 3500 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मनरेगा, SRLM और अन्य संस्थानों में आउटसोर्सिंग व संविदा के माध्यम से 32,000 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। कुल 35,500 भर्तियाँ की जाएंगी, इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, यूजर नहीं है तो बंद करा दें सिम। सावधान, आपकी आईडी से दूसरा सिम तो नहीं है एक्टिवेट। कैसे आप पता करेंगे कि दूसरा सिम एक्टिवेट है या नहीं? ऐसे पता करेंगे, पहले आप tafcop.digitalcom.gov.in पर जाएंगे। मैं आपको लिखकर बता देना हूँ, ध्यान से देखिएगा, tafcop.digitalcom एक ही में लिखना है, डिजिटल कॉम एक ही में लिखना है, फिर .gov.in पर जाइएगा। यहाँ पर नो योर मोबाइल कनेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP फिल करना होगा। अब आपको उन सभी नंबरों की जानकारी हो जाएगी जो आपकी आईडी पर चल रहे हैं, साथ ही पोर्टल पर नंबर और नोट माई नंबर पर क्लिक करना होगा। अब नीचे की तरफ रिपोर्ट की बॉक्स पर क्लिक करना होगा, ऐसा करने के बाद आपको एक टिकट आईडी रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। ऐसा करने के बाद नंबर बंद हो जाएगा और आपके आधार रिमूव कर दिए जाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।